आज गोपाल श्री कृष्ण मंदिर के ओपनिंग के सेरेमनी पे उपस्थित हिज होलीनेस श्री श्री पालीवर स्वामी जी हु हैज कम लॉन्ग फ्रॉम द कर्नाटका एट द सेम टाइम His Holiness Ananta Asaranna, who is a guru of Dr. Suresh Rao, and he has come from his native place long way for this puncture. Dr. Suresh Rao, who is a famous doctor, that is gastroenterologist, and President of BSJB Trust Association, Mr. Madhusudan Ji Agrawal, who is one of the trustee of this association, and Vice President of Ajanta Pharma, Sudhir Shetty Ji. He is the president of Karishma Group. Then Mahabaleshwara Ji, he is having long experience of the finance, worked for around 37 years in the banks, and now he is MD of Karnataka Bank. Harish Shetty Ji, who is a World Chamber President, and Anand Tejwar, who is having wide experience of insurance, executive in insurance, and was awarded as a Mumbai Ratna Award. My friend and famous industrialist from the Maharashtra, Sri Srikant Badve Ji, Mrs. Badve, Dr. Agrawal, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais. मैं तो आज खुद को नशीबवान समझता हूँ इस प्रोग्राम के लिए इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश राव और मधुसूदन जी अग्रवाल इन दोनों ने मुझे इनवाइट किया. आते ही मैं गोपाल कृष्ण का जो मंदिर है वहां जाके दर्शन लिया और एंट्री करने से पहले ही स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट टू डिफरेंट पार्ट्स आई हैव ऑब्जर्व फॉर हाफ एन आवर मोर देन दैट आल्सो. जहां भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीला बताया है, जहां भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप बताया है, और यहाँ जो कार्विंग किया है बहुत ही अच्छी है. मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर राव साहब से डिस्कस किया, सुरेश राव साहब से, तो उन्होंने बताया 50 लोग 24/7 दिन रात 3 साल से काम कर रहे थे. मैं महाराष्ट्र में से अजेंटा और एलोरा केव जहां है औरंगाबाद से आता हूं. औरंगाबाद के केव ऐसे ही कार्विंग किया वाला केव है, पत्थर में कार्विंग किया वाला केव है, जिसे हजारों लोगों ने काम किया होगा, बता नहीं सकता, लेकिन ये तो उसी की तरह से बहुत ही अच्छा काम किया है. हमारे गुरुजी बता रहे थे जो मैं तो समझ नहीं रहा था, लेकिन मथुरा का उन्होंने उल्लेख किया, तो ये मथुरा तो यूपी में है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लिए यही मथुरा है, ऐसा मैं समझता हूँ. इतना अच्छा काम किया. हमें सब लोगों को पता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां लोगों की अच्छी अच्छी भावना है, जहां लोग
नतमस्तक होते हैं, ऐसे कोई क्षेत्र इस देश में विकसित हो रहे हैं, जिसमें से मैं बताना चाहता हूं अयोध्या में राम मंदिर था, लेकिन वहां मस्जिद बनी थी। उसी जगह जहां राम हमारे श्रद्धा स्थान जिनका जन्म हुआ था, उस अयोध्या में उसी जगह पे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मंदिर बन रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाकर पूजा किया है। 500 साल हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज 500 साल से हमें प्रतीक्षा थी, लेकिन ये मंदिर 3 साल में पूरा होके हम नशीबवान हैं, वहां जाके हम दर्शन ले सकते हैं। वही सिचुएशन अभी काशी में थे, जहां काशी विश्वनाथ का मंदिर और एक कैरिडोर अच्छा बनाया है, वो भी बहुत ही अच्छा देखने जैसा है। उसी तरह मथुरा भी बन जाएंगे, गुरुजी को मैं बताना चाहता हूं। तो ऐसे हम सब हिंदू लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं। और मैं अभी व्यासपीठ में या स्टेज पे देख रहा था, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, हर एक क्षेत्र में बड़े तरक्की किए वाले लोग हैं, जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा है, लेकिन हर एक को जो शांति मिलती है जो मंदिर में ही मिलते हैं, हर एक को मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन लेना चाहिए। और ये सब जान के हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेश राव साहब ने उनके नेतृत्व में सब ट्रस्ट, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ ट्रेजरर है, सब ने मिला के अच्छा मंदिर बनाया है। तो इनका हम सब लोग जितना अभिनंदन करें वो काम है। इस वक्त पे मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आज मंदिर में तो हम जाते हैं, पूजा करते हैं, हमें शांति भी मिलती है, लेकिन इसके साथ जो भगवान का रूप हमें, भगवान को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन भगवान का रूप अगर देखना है तो हमेशा हमारे पूर्वज बोलते हैं, संत बोलते हैं कि गोर गरीब जनता की सेवा करना मानव। और वैसा ही डॉक्टर राव साहब ने, जहां से वो आते हैं, जिस गांव से वो आते हैं, उस गांव में अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, और हॉस्पिटल में गरीब वहां के जहां का उनका जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि में काम करने का एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इसीलिए जैसे बोलते हैं जन्मभूमि में भी काम कर रहे हैं, और वहां कर्मभूमि ये मुंबई है, यहां भी काम कर रहे हैं, यहां भी इनका हॉस्पिटल में सेवा चल रही है, उसी के साथ मंदिर भी बनाया है। तो ऐसे समाज सेवी अध्यक्ष हमारे बीएसकेबी मंडल को मिले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है इनके नेतृत्व में बीएसकेबी मंडल अच्छा काम करेगा और समाज सेवा करेगा, और लोगों को जो चाहिए समाज सेवा के लिए वो काम करेंगे। इसीलिए मैं इस मंडल के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश राव, उनके पूरे वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, पूरे ट्रस्टी, जिन्होंने गोकुल नाम की बिल्डिंग थी, गोकुल के जगह मंदिर बना के, गोपाल कृष्ण का मंदिर बना के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया, ये बहुत बड़ा काम है। और ऐसे ही काम इन ट्रस्टी के माध्यम से हो जाएंगे, ऐसा मैं इनके तरफ से विश्वास व्यक्त करता हूँ। और मैं इस भारत सरकार का एक राज्य मंत्री होने के नाते से मेरे तरफ से जो सहयोग लगेगा तो मैं आपका लगेगा, भारत की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो,
मैं आपके साथ रह के एक आपका सहयोगी बल्कि काम करूंगा और इनके साथ और दूसरे कुछ भी काम सकते हैं जिसमें मदद करूंगा। इतना ही बात करते हुए फिर एक बार मुझे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बड़वे जी, मिसेस बड़वे जी, विशाल जी सबको इधर बुलाया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, सभी ट्रस्टियों का अभिनंदन करते हुए, मेरी सहयोग की भावना व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।